तो क्या मास्टरबेशन हर दशा में सामान्य है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। मास्टरबेशन को आपको पूरी तरह से प्राइवेसी में करना चाहिए। कुछ लोग सबके सामने मास्टरबेशन करते हैं, जो एक असामान्य सेक्सुअल व्यवहार की कैटेगरी में आता है, जिसे हम एक्सिबिशनिज्म कहते हैं। ये एक कानूनी अपराध है और इन लोगों पर आपराधिक मामले बन सकते हैं। तो मास्टरबेशन हमेशा आपको प्राइवेसी में करना चाहिए। दूसरी बात, क्या मास्टरबेशन कितना अधिक से अधिक करना चाहिए? या बहुत से लोग ऐसा मेरे पास कहते हैं कि हमने बहुत ज्यादा मास्टरबेशन किया है, तो ये ज्यादा क्या है? दोस्तों, ज्यादा मास्टरबेशन तब खराब है यदि आप दिन में अधिकतर समय मास्टरबेशन के जरिए या दूसरे रास्तों से केवल सेक्स के प्लेजर के लिए ही पीछे रहते हैं, उसी को खोजते रहते हैं, और आपकी सामान्य ड्यूटीज जो हैं, आपसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई को आप इग्नोर करते हैं, अगर आप सर्विस करते हैं तो अपने ड्यूटीज को, अपने काम को इग्नोर करते हैं, अगर आप उसको इग्नोर करें और केवल इसकी तरफ ही ध्यान दें, आपको नुकसान होने लगे, तब उस अवस्था में मास्टरबेशन एबनॉर्मल है। इनमें से अनेक लोग हाइपर सेक्सुअलिटी यानी सेक्स की अधिकता से पीड़ित होते हैं। मैंने जैसा आपको बताया है, यदि इस कारण आपको नुकसान हो या फिर आपकी इस ओर रुझान की वजह से आपके पार्टनर को, यदि आप शादीशुदा हैं और आप अत्यधिक बार सेक्स करते हैं जो आपके पार्टनर को एक्सेप्टेबल नहीं हो, या फिर आप समाज में कोई भी अन्य ऐसा कार्य करें जिससे दूसरों को परेशानी हो, तो फिर ये असामान्य की कैटेगरी में आता है। यदि आप प्राइवेसी में कभी भी मास्टरबेशन करते हैं तो यह बिल्कुल सामान्य बात है। इसके लिए आपको अपने मन में हीन भावना लाने की जरूरत नहीं है। तीसरा, एक और, जब मास्टरबेशन असामान्य की कैटेगरी में आएगा, और वो है यदि शादी होने के बाद अपने सही पार्टनर उपलब्ध होने के बावजूद भी आप केवल मास्टरबेशन को ही सेक्स की संतुष्टि का साधन बना लें और अपने पार्टनर को इग्नोर करना शुरू कर दें, तो इससे आपको समस्या हो सकती है। देखिए, मास्टरबेशन आपकी सेक्स लाइफ का एक हिस्सा हो सकता है, परंतु ये केवल आपकी सेक्स लाइफ नहीं हो सकती। मैं बात कर रहा हूं आपकी शादी के बाद। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप शादी से पहले किसी प्रकार के संबंध बनाएं, ये आपकी अपनी चॉइस है। यदि आप अपने पार्टनर की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो आपसी तनाव होगा, दूरियां बढ़ेंगी और कभी कभी नौबत तलाक तक भी आ सकती है। तो दोस्तों, मास्टरबेशन कोई अपराध नहीं है, कोई रोग नहीं है। समस्या तब आती है यदि मास्टरबेशन के बारे में गलत धारणाओं की वजह से आप टेंशन में रहते हैं, उसी बारे में सोचने लगते हैं, और जो ये एंजाइटी होती है, जो आपको ये व्यग्रता है, इसकी वजह से आपको हर प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। और यदि आप इसको पॉजिटिव ढंग से लेने लगें तो फिर आपको इसकी कोई समस्या नहीं होगी।